हेलो वेलकम फैंटेसी पीपल, वेलकम टू फैनेटिक सेंस। आज मैं हॉकी सीरीज के एपिसोड 1 को डिटेल में एक्सप्लेन और रिव्यू करने वाला हूं, तो इस वीडियो में स्पॉइलर अलर्ट पहले से ही, सो लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड स्टार्टिंग में 2012 में दिखाया जाता है केट बिशप को और अपने पेरेंट्स की बातें सुनती है जब वो अपने घर को बेचने की बात करते हैं, और फिर केट के फादर उसके रूम में जाके कहते हैं कि उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा, पर वो मना कर देती है और फिर वही बातों में उसे समझा देते हैं और वो चुप हो जाती है। फिर बाद में वो अपने मॉम के साथ मस्ती कर रही होती है और फिर उसकी मॉम बोलती है कि ऊपर जाके चेकर लेके आओ, चेकर्स गेम। और तभी हमें दिखाया जाता है कि केट जब अपने रूम में जाते हैं तो चित्तौरी आर्मी का अटैक हो जाता है उसके घर पे और उसके घर के अंदर ही एक बॉम भी फूट जाता है, तो उसने बहुत डर जाती है, तो अपने मॉम एंड डैड को वो ढूंढने लगती है और वो मिलते नहीं है वो किसी को भी। फिर वो गैलरी में जाती है, मतलब जहां से बॉम आता है वहां देखती है वो हॉकाई को, तो एक चित्तौरी का एलियन भी आता है उसमें हमला करने, तो हॉकाई उसे बचा देता है और हमें वो आइकॉनिक सीन दिखता है हॉकाई का एवेंजर्स मूवीज से, और वहीं से केट को इंस्पिरेशन मिलती है हॉकाई बनने की। तो तभी उसकी माँ आके उसे बचा लेती है और वो अपने डैड को ढूंढ रही होती है और हमें उसके डैड नहीं मिलते, उसकी माँ उसे लेके चली जाती है। तो अगले ही शॉट में हमें दिखाया जाता है कि केट के फादर की डेथ हो गई है और उनका फ्यूनरल चालू होता है। तो तभी केट अपनी मॉम से कहती है कि उन्हें प्रोटेक्ट करना है अपनी फैमिली को, तो इसलिए अपने मॉम से बो एंड एरो मांगती है। तो यहाँ पे ये सीन खत्म होते ही हमारे इंट्रो में दिखाया जाता है हमें कि केट बचपन से बड़ी होने तक एरो आर्चरी फाइटिंग कॉम्बैट्स में अवार्ड जीत रही है, मेडल जीत रही है, यही हमें इंट्रो में दिखाया जाता है। फिर बाद में इंट्रो खत्म होने के बाद हमें प्रेजेंट भी दिखाया जाता है, मतलब एवेंजर्स के 2 ईयर्स के आफ्टर का हमें दिखाया जाता है क्या होता है केट के साथ। तो केट हमें दिखाई जाती है कि आदमी के घर में घुसने की कोशिश करती है लॉक पिक से, पर वो नहीं होता है, तो वो घर की सीढ़ियां चढ़ के, मतलब दीवारें चढ़ के ऊपर टेरिस पर पहुंच जाती है। तभी हमें बताया जाता है केट की फ्रेंड्स है वो कॉल पे भी होती है, ग्रेव नाम होता है उसका, वो अपने फ्रेंड से एक शर्त लगाती है कि अपने एरो से वो सामने वाले बेल टावर को बचा के बताए। तो फर्स्ट टाइम वो ट्राई करती है, तो फर्स्ट टाइम में वो ट्राई नहीं होता है, बेल नहीं बचती है, बट सेकेंड टाइम जब वो बेल पे मारती है तो बेल बच जाती है। तो बेल बचते बचते अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती है फोन पे की, बताती है वो कैसे उसने वो बेल को तोड़ दिया। उतने में ही बेल बहुत ज्यादा ही फास्ट होने लग जाती है और वो टावर पूरा नीचे आके टूटने लगता है, और उसी समय में हमें दिखता है कि पीछे से जो घर का ओनर है वो भी आके गेट को पकड़ लेता है, एक फ्रेंड नीचे से ही भाग जाते हैं। और फिर हमें क्रिसमस वाइब्स दिखाई जाती है नेक्स्ट शॉट में, और फिर हमें दिखाया जाता है रॉजर्स म्यूजिकल जो भी ट्रेलर में कई बार दिखाया गया है, वहाँ पे क्लिंट की फैमिली को इनवाइट किया होता है, वहाँ पे वो लोग 2012 की न्यूयॉर्क अटैक के बारे में म्यूजिकल कर रहे होते हैं और क्लिंट नताशा को देखता है वहाँ पे, मतलब जो परफॉर्म कर रही होती है उसे देख कर थोड़ा सा सेंटी हो जाता है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि क्लिंट बहुत बोर हो रहे हैं, वो उसके एक्सप्रेशन से ही पता लगता है कि वो बहुत बोर हो चुके हैं वहाँ पे बैठे बैठे। फिर वो वहाँ से निकल के वॉशरूम में जाता है और वहाँ पे लिखा हुआ होता है थैनोस वाज राइट, तो वो देख के भी वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर बाद में एक आदमी से दो तीन बार सेल्फी मांगता है वो, तो वहाँ से वो बोर होकर वहाँ से भी निकल जाता है। तो वहाँ से उसकी डॉटर बाहर आती है और वो नताशा के बारे में थोड़ी बात करती है उससे कि आपको कैसा लगा उसको देख कर, आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो सब बात करके क्लिंट अपनी फैमिली के साथ वहां से निकल जाता है। तो और नेक्स्ट शॉट में बताया जाता है केट अपने मदर से बात कर रही होती है और वो अपने घर में जाती है, फिर उसकी मॉम उससे बहुत डांटती है क्योंकि उसे पता चल जाता है उसके बेल टावर के बारे में जो उसने किया है। और फिर बातों बातों में केट अपनी मॉम से अपने घर के अंदर शॉर्ट देकर पूछती है उसके बारे में, और शॉर्ट्स के बारे में बताते बताते केट की मॉम एलेनोर का बॉयफ्रेंड आ जाता है, वो केट उसे देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसे मालूम नहीं होता है। और फिर बाद में हमें क्लिंट वापस से दिखाया जाता है अपनी फैमिली के साथ फन में बात कर रहा होता है, होटल में बैठा हुआ रहता है और उसकी वाइफ के साथ बात कर रहा होता है क्योंकि वो लोग अलग रहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वापस से एलेनोर और उसकी बॉयफ्रेंड के साथ जो कि वो लोग एक पार्टी में होते हैं। उसके बाद हम केट को उसी
चैरिटी इवेंट पार्टी में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे उसे दूसरे आदमी से पता चलता है कि उसकी मॉम उस दूसरे आदमी से शादी करने वाली होती है, जिससे उसे बहुत शॉक और बुरा लगता है। तो उसकी मॉम से वो बात करने जाती है और उसकी मॉम बोलती है तुम मेरी खुशी में तुम खुश रहो, तो वो ठीक है मान जाती है। फिर बाद में हमें देखती है केट उसकी मॉम को देखती है, जो कि पहले जो आदमी था अरमान करके उससे ही झगड़ा करती होती है, तो वही इन्वेस्टिगेट करने वो वेटर का ड्रेस पहन के जा रही होती है। बेटे का ड्रेस पहन के वो इन्वेस्टिगेट करने जाती है और देखती है वहाँ पे अरमान और जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है वो उससे बोलता रहता है कि केट की मॉम के बारे में कि वो बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा कर रही है। और उसके बाद हम देखते हैं ऑक्शन चालू हो जाता है वहाँ पे। तो पहले ऑक्शन में हमें दिखता है कि एक स्कल जैसा कुछ होता है, वहाँ $2 million का सेल होता है। और केट जो कि वेटर के ड्रेस में आती है वहाँ पे, वो पीछे एक मैनेजर उसे देख लेता है और उसे पूछता है और भागने लग जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरा ऑक्शन चालू होता है, वहाँ पे रोनिन की जो स्वॉर्ड है वो ऑक्शन पे सेल होने वाली रहती है और वो $200K पे सेल होने वाली रहती है, और ऑक्शन में बाद में वो $475K पे सेल होती है। और जब रोनिन की स्वॉर्ड सेल होने जाती है वहाँ पे होता है पीछे से बहुत बड़ा धमाका। तो वहाँ पे जैसे ही धमाका होता है, जो अरमान ने रोनिन की स्वॉर्ड खरीदी होती है वो जैक चुरा लेता है, और ये धमाका करा होता है ट्रैकसूट माफिया ने, जो कि हॉकी के विलेन है। और फिर वहाँ पे भागदौड़ मच जाती है, तो केट बिशप को भी मौका मिल जाता है, वो रोनिन के कपड़े चुरा के पहन लेती है और उन लोगों से लड़ने लगती है। और लड़ने के बाद वो दूसरों की मदद करने लग जाती है, और उसकी माँ केट बिशप की मदर भी बहुत सारे चिंता में हो जाती है और वो नीचे लड़ रही होती है और वो दोनों को बचा लेती है। और वहाँ पे ट्रैकसूट माफिया का मेम्बर होता है, उसे एवेंजर्स कंपाउंड की एक घड़ी मिलती है, और घड़ी देखने के बाद तभी हमें वही डॉग दिखता है जो उस पर हमला कर देता है, जो केट बिशप को मिला था। और फिर केट बिशप के ऊपर आ जाती है और वो डॉग का पीछा करती है। बाद में केट ऊपर आने के बाद उस डॉग को अपने साथ घर पे लेके जाती है, और तब तक पुलिस भी आ चुकी होती है और तब तक ट्रैकसूट माफिया वहां से चले जाती है। बाद में हम देखते हैं क्लिंट को अपने घर पे टीवी पे न्यूज देखते हुए कि रोनिन वापस आ गया, और क्लिंट उसे देख के शॉक हो जाता है क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई वो खुद ही रोनिन था, तो बाद में दूसरा कौन आ गया। और फिर बाद में केट उस डॉग को घर पे लेके जाने के बाद अरमान का पीछा करती है कि वो सोचती है कि ब्लैक मार्केट में सब चीजें इनके सेल फोन कर रहे हैं। और जब वो अरमान के घर पे जाती है तो वो देखती है जब वो मरा पड़ा होता है, और पीछे से कोई औरत आती है और वो भागने लगती है, और उसको पूरा घर सराउंड करके ट्रैकसूट माफिया खड़ी होती है। उन्हें लगता है वो रोनिन है, तो उस पर हमला करने जाते हैं, तो जान बचाने के लिए वैन में बैठ जाती है। पर वो तभी पता चलता है कि पीछे से कोई उन पे छुप के हमला कर रहा है, और हम देखते हैं कि डिस्गाइज में वहाँ पे क्लिंट बार्टन खड़ा है। गाइस ये था मेरा हॉकी एपिसोड 1 का डिटेल में एक्सप्लेनेशन, और मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा। मैंने सेकेंड एपिसोड भी देखा हो, मुझे एकदम फन वाइब लगा, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये वांडा विजन लोकी जैसा नहीं था, ये नॉर्मल शो है, मतलब इसमें कोई विलेन बड़ा मॉन्स्टर नहीं है, पर मुझे ये शो बहुत अच्छा लगा। एपिसोड 2 सेकेंड एपिसोड का भी ब्रेकडाउन डिटेल में आने वाला।